मोहाली इंडिया के बाद बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं ये शक्करगढ़ से वंडा, ये पहला इनका ये था। आज देखते हैं कि क्या वॉइस मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, हमजा फरूक बात कर रहा हूँ शकरगढ़ से। डॉक्टर शकरगढ़ से। साहब, ये महीना 1.5 पहले ना आपसे मैंने मैसेज किया था कि वो गाय ली थी मैंने, बड़ी कमजोर थी ना, प्रेग्नेंट थी। तो हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे बताया कि पंडा वगैरह ये यूज करो। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह उसने ना आज यानी कि 1.5 हफ्ता हो गया बच्चा दे दिया, माशाल्लाह तो उसकी माशाल्लाह। हालत तो माशाल्लाह आउट क्लास हो गई है। पंडा मैंने हर चीज वैसे यूज की है, अब तो माशाल्लाह अच्छी खासी तगड़ी है, अच्छा और दूध भी माशाल्लाह जो उनका ना वो 12-13 किलो का दिए, यानी कि सारा दूध 12-13 किलो है उसके नीचे। तो डॉक्टर, माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो उसकी सफाई वगैरह के लिए, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ पे दलिया वगैरह दिया जाता है, उसके बाद गुलकंद वगैरह दी जाती है, डॉक्टर साहब मुझे जरा ब्रीफली बता दें कि अब उसको मैं क्या प्रोटोकॉल फॉलो करूँ कि एक तो वो जल्दी हीट में भी आ जाए, उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है डॉक्टर साहब वो भी ज्यादा बेहतर हो जाए। माशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा रिजल्ट ऐसे मिल गया मुझे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि अच्छा रिजल्ट आया। अल्लाह फजल करेगा, इसकी सफाई भी बेहतरीन हो जाएगी। आपने इस तरह करना है, 100 ग्राम ले लें सफ़ेद ज़ीरा, 100 ग्राम ले लें अलसी, 100 ग्राम ले लें हाड़ियों, और 250 ग्राम ले लें गुलाब के फूल की पत्तियाँ। और 50 ग्राम उसमें मीठा सोडा डाल लें। ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप 5-6 दिन इसको ये दें। ये 1 दिन की खुराक है और ये 5-6 दिन रोज़ाना यही खुराक को दोहराते जाएं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बेहतरीन इसकी अंदरूनी सफाई हो जाएगी, बल्कि पूरा गंद ज़रा फेंक लेगी। आप स्मेल करके भी देख सकते हैं, सूंघ के भी। लोग जो बड़े बड़े गुज्जर हैं वो सूंघते हैं, फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी बेहतरीन सफाई हो गई है कि बिल्कुल कोई थोड़ी जी भी बू नहीं आती। तो ये मेरी जान, आप ये कर लें, और पूरे शकरगढ़ को सलाम और फी मान। अल्लाह अकबर कबीरा।